मैनपुरी में भी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। ये भी जो है जो आज हमने वैक्सीन का पहला डोज लिया है और इसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। आज जो डोज लिया है हमने वो उसमें बिल्कुल कुछ हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे और वैक्सीन सब लोग लगवाते रहते हैं, अक्सर टेटवैक लगवाते हैं, कुछ लगवाते हैं, उसी तरह से ये भी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कुरुक्षेत्र में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। LNJP अस्पताल में कोरोना की पहली वैक्सीन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह को लगाई गई व दूसरी वैक्सीन डॉक्टर मनोज तनवर को लगाई गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से COVID-19 की वैक्सीनेशन का लॉन्चिंग 10:30 बजे स्टार्ट हुआ था और हमारे यहाँ LNJP में भी हमने इसे स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे डॉक्टर गुरप्रीत सिंह हैं, चिकित्सा अधिकारी LNJP सिविल हॉस्पिटल, सबसे पहले उनको टीकाकरण किया गया। उसके बाद हमारे एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है श्रीमती बिंदु जी, उनको टीकाकरण किया गया COVID-19 का। जहां एक तरफ पूरे देश और प्रदेश में कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी कोरोना वायरस को हराने के लिए टीकाकरण फेज फर्स्ट, जिसमें कोरोना वायरस को टीका लगाया जाना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया अनुभव रहा, बहुत बढ़िया इक्विपमेंट, बहुत बढ़िया टीका, बिल्कुल पेनलेस। मुझे 25 मिनट हो गए हैं टीका लगवाए हुए, मैं ऑब्जर्वेशन रूम में आ गया हूँ और यहाँ पे अगले 5-7 मिनट तक मैं और रहूँगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है, जितने लोगों का टीकाकरण हुआ है उनका आधे घंटे ऑब्जर्वेशन का प्रोटोकॉल है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अब मैं आधे घंटे अपना आधा घंटा पूरा करने के बाद जो है अपने दफ्तर के काम में लग जाऊँगा। भारतीय किसान यूनियन के हलका प्रधान अक्षय हजीरा ने कहा, 17 जनवरी को जाट धर्मशाला में सुबह 9 बजे किसान महापंचायत बुलाई गई है और 24 जनवरी को ट्रैक्टर दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर भी बातचीत करेंगे। 17 तारीख को कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के अंदर भारतीय किसान यूनियन ने एक मीटिंग बुलाई है। सभी किसान भाइयों को इसके अंदर पहुँचना है और जो भी किसान भाई इन बिलों का विरोध कर रहा है, 23 तारीख को कुरुक्षेत्र जिले से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा स्थानाशाह सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली के अंदर निकाली जाएगी। आप सभी भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, युवा साथी और मेरे बुजुर्गों, इसके अंदर हिस्सा बनने का काम करें, इस आंदोलन को कामयाब बनाने का काम। टीकाकरण अभियान के तहत प्रथम चरण में आज 4 साइटों पर किया गया टीकाकरण। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला में टीकाकरण कार्य का लिया जायजा। आज आपने कौन सा टीका लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं, कल कैसा महसूस कर रहे थे और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर गुलाम नबी यहाँ पे जिला चिकित्सालय में सर्जन के पद पे कार्य करता हूँ और यहाँ पे जो आज वैक्सीन लगा हुआ है, बिल्कुल भी इससे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल सुइयाँ जैसे होती हैं, बिल्कुल वैसे ही है। कोई दर्द नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई घबराहट, कोई बेचैनी, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको सुई लगे लगभग आधा घंटा हो चुका है और जैसे कल महसूस कर रहे थे, जैसा सुबह महसूस कर रहे थे, वैसा अभी मैं महसूस। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में कोरोना वैक्सीन के सबसे बड़े महाअभियान की शुरुआत की और पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। बागपत में 3 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई। DM और SP बागपत में जिला अस्पताल में वैक्सीन केंद्र का फीता काटकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए, पूरे जिले में जो है 400 हेल्थ वर्कर्स को आज वैक्सीनेशन होना है। 4 हमारे सेंटर हैं, उन चारों सेंटर में हर सेंटर में 100-100 जो है हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाना है। इन हेल्थ वर्कर्स को पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया गया था, इनके SMS वगैरह के माध्यम से कल ही इनको सूचित कर दिया गया था कि ये जो है आज वैक्सीनेशन करा लें। आज उसके बाद ये लोग सुबह आए, इनको जो है टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की, उसके बाद हमारे यहाँ भी पहला वैक्सीन जो है हमारे यहाँ IMA के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लगाया गया है और अभी तक जो है कई लोगों को वैक्सीन लग चुका है। बागपत में 3 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की हुई शुरुआत। DM और SP ने बागपत जिला में अस्पताल में वैक्सीन केंद्र का फीता काटकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बागपत जनपद में 3 स्थानों पर जिला अस्पताल, CSC बड़ौत और CSC पिलाना पर वैक्सीनेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया। उसके बाद से वैक्सीनेशन यहाँ पर जिला अस्पताल में मैं और SP स्वयं हैं और CMO और इनकी CMS की टीम है, तो ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है।
बेनिफिशियरी आपने देखा है कि लाइन में भी लगे हैं और वेटिंग रूम जो वेटिंग एरिया है उसमें भी हैं। अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में कोरोना का टीका देने की शुरुआत की गई जिसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हाजिर थे। आज पूरे देश भर में जिसका इंतजार था वो क्षण हमारे लिए गोल्डन एक दिन आज का सुवर्ण दिन बना है। भारत सरकार ने आज से पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। गुजरात में भी 161 प्लेसेस पर ये कार्यक्रम शुरू हो गया है।